हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, यू ब्यूटीफुल पीपल। तो की हाल चाल है आप सभी के। तो भाई सब कल हम लोगों ने भाई फैसल के ऊपर बहुत तगड़ा वाला प्रैंक किया था। भाई हम लोगों ने फैसल के ऊपर किडनैपिंग वाला प्रैंक किया था। उसको बोल दिया था हम लोगों ने कि जीशान भाई गायब हो गया, मिल ही नहीं रहा या फिर किसी ने किडनैप कर लिया। भाई फैसल का रिएक्शन देखने लायक था। भाई फैसल भाई के ऊपर ना प्रैंक करके बहुत ज्यादा मजा आया था। फैसल भाई एकदम परेशान हो गया था। भाई फैसल ना एकदम भाई डर गया था यार। तो आप लोगों ने अगर प्रीवियस ब्लॉग नहीं चेक किया तो जरूर जाके देखना भाई, बहुत ज्यादा मजा आया था। और भाई वीडियोस पे ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो और कमेंट किया करो। भाई कम से कम वीडियो पे 5000 लाइक और 1000 कमेंट होना चाहिए। तो सब लोग भाई जितने लोग वीडियोस देखते हो सब लोग लाइक और कमेंट किया करो भाई वीडियोस पे। भाई ने बोला करने का तो करने का। जो जो चाचू की वीडियो लाइक नहीं करेगा उसकी गर्लफ्रेंड दूसरे के साथ भाग जाएगी। चाचू फैसल भाई ना कहीं बाहर जा रहा है तो ये चाबी यहाँ पे रखी, इसको छुपा देते, ढूंढते रह जाएगा। छुपा दे? हाँ। कहाँ जा रहा है? पता नहीं कहाँ जा रहा है, मैं अपने जेब में रख लेता हूँ। अब बोल देंगे कि नहीं पता हम लोग को। हाँ। भाई फैसल रेडी हो रहा है ना कहीं जाने के लिए और कार की चाबी हम लोगों ने छुपा दी है। अब देखो खोजेगा, मजा आएगा। आ रहा है चाबी ला रही थी। मेरे पास थोड़ी ना है। वहाँ नहीं है। कहाँ लेके गए थे ना रात में? हाँ तेरे रूम में रख दिया था मैं। रूम में नहीं है, रूम में भी देखा, वहाँ पे भी देखा। तो वहीं है कसम से, रख दिया था। रात में लेके गए, उसके बाद 11-12 बजे आए हो। हाँ तो रख दिया था तेरे रूम में ना रात को। नहीं मेरे रूम में नहीं है। कहाँ रखे हो बताओ? बोल रहा हूँ नहीं छुपाया है। पीछे पता नहीं क्या कर रहा था। ये देखो कचर कर। क्या बात है भाई, दोनों लोग रेडी होके कहाँ जा रहे हो? हम लोग जा रहे हैं गोरखपुर। किसके भी है? तुम्हारा शादी है क्या? नहीं नहीं इरफान की। सही बताओ, कुछ दाल में काला तो नहीं है? नहीं दाल में कुछ काला नहीं, हम लोग जा रहे हैं गोरखपुर, थोड़ा सा काम है बस, वही निपटा के आना है। चलो ठीक है, हम लोग को भी नहीं नहीं ले जा रहे भाई, इरफान के लिए जा रहे हैं लड़की देखने। ये तो पता चलेगा किसके लिए लड़की देखी जा रही है। गलत बात है, मुझे भी देखना है। इरफान सही सही बता दो कहाँ जा रहे हो? बस गोरखपुर जा रहे हैं। सही में? हाँ सही में। मुझे दाल में काला लग रहा है कसम से, पूरे दलिये काली। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये लोग कुछ तो गड़बड़ कहीं कुछ करने जा रहे हैं। जीशान को भी नहीं ले जा रहे, ये सोचो भाई। मैं तो जीशान हर जगह जाता था, सोच लो। चाचू मैं भी जाऊंगा ना, अभी गाड़ी में बैठ जाऊंगा। हाँ चल चल बैठ, डिक्की में बैठा। हाँ सही बता इरफान, मैं क्या बताऊँ? ये सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं। आप ऐसा काम है, बस काम के लिए जा रहे हैं। कौन सा काम? तो जीशान को क्यों नहीं ले जा रहे? हाँ मैं नहीं बताऊंगा। क्या बोलूं अभी मैं? जाए भाई जीशान। जीशान सब पता करके आना क्या होगा वहाँ। देखो भाई इन लोग का रास्ता ही रुक गया, अब कैसे जाओगे भाई, अब कैसे जाओगे? यहाँ देखो मिट्टी हुई है भाई। जीशान क्या लग रहा है, क्या दाल में काला है, कहाँ जा रहे हो? मुझे तो लग रहा है किसी लड़की लड़की से मिलने जा रहे हैं। अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा। इरफान छुपा रहे हैं, अभी लौट के आएंगे तो मजा आएगा। चल
क्या हुआ रे? नहीं ले गए तुझे? ये देखो भाई, फैसल और इरफान चले गए भाई, और जब लौट के आएंगे तब पता चलेगा कि कहाँ गए थे, क्या करने। और भाई साहब, जैसा कि आप लोग को पता है, झूठ पकड़ने वाली मशीन से हम लोग फैसल के ऊपर टेस्ट करने वाले हैं। तो भाई आप लोग यार बहुत ही खतरनाक सवाल यार कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हो यार फैसल से। चाचू ये देखो, सब लोग कितना तगड़ा सवाल पूछ रहे हैं। चाचू फैसल से पूछो कि उसका गोल्डन प्ले बटन कब आएगा। फैसल को पूछो दिन भर में कितनी बार हगता है। फैसल से पूछो उसके गर्लफ्रेंड का नाम क्या है। फैसल से पूछिए कि उसने व्लॉग क्यों स्टार्ट किया। भाई इसी तरीके से बहुत सारा सवाल कमेंट सेक्शन में आया, तो अभी भी आप लोग के मन में और भी सवाल होगा तो आप लोग जरूर पूछना भाई। सारा क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे और झूठ पकड़ने वाली मशीन से फैसल का झूठ पकड़ेंगे भाई। बहुत मजा आएगा यार। भाई जैसा कि आप लोग को पता है ना, हमारे एरिया में आजकल भाई चोरी वोरी बहुत खतरनाक वाली हो रही है। भाई आज रात में ना भाई 3 बजे बहुत तगड़ा वाला हल्ला हुआ था यार। मतलब चोर चोर चोर, सब लोग यहाँ है वहाँ है, पूरा गांव में हल्ला हो गया भाई। सब लोग, पूरा गांव जग गया था यार। अंकल चाचू, जब रात को हल्ला हो रहा था ना, तो मुझे आवाज आया ना कि सब लोग चिल्ला रहे चोर चोर चोर, तो मैं उठा ना, तो मुझे डर लगने लगा, मैं उड़ के फिर से सो गया। क्या गुंडा बनेगा रे तू भाई। इतना तगड़ा वाला शोर हो रहा था ना कि भाई पूरा गाँव सब लोग उठ गए थे। ये देखो जीशान भाई उठ के फिर से कम्बल ओढ़ के सो गया भाई। कि भाई अब टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि हमारे घर पे पार्किंग में हर जगह भाई कैमरा लग गया है, सीसीटीवी कैमरा। तो कोई भी भाई कोई भी हरकत करेगा तो भाई कैद हो जाएगा, कैमरे में फंस जाएगा। ये देखो भाई, एक कैमरा इधर है, एक कैमरा इधर है भाई। ये सारे कैमरा ना भाई चालू हो गया है भाई, रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग चालू हो गया है इसमें भाई। ये देखो मॉनिटर वॉनिटर लग गया भाई, कैमरा चालू हो गया। ये क्या, ये जीशान क्या कर रहा है भाई? ये देखो भाई, ये क्या कर रहा है भाई? डांस कर रहा है जीजान भी चड्डी में। ये देखो छत में भाई, ये देखो मॉनिटर में सब कुछ दिख रहा है भाई। एक नए वाले घर की तरफ है, एक हमारे भाई पूरे मेन रोड पे, जो हमारा मेन गेट है वहां भी पता चलेगा कि कौन आ रहा कौन जा रहा है। अब भाई बहुत अच्छा हो गया यार, सेफ्टी हो गया हमारे घर का। भाई हमारे घर पे ना बहुत टाइम से प्लानिंग हो रहा था सीसीटीवी कैमरा लगाने का, तो फाइनली भाई लग गया है। अब भाई थोड़ा सा मतलब टेंशन फ्री हो जाएंगे हम लोग। और भाई हमारे पार्किंग में भी कैमरा लग गया भाई, वहाँ भी सेफ्टी हो जाएगी। चाचू मेरा डांस कैसा लगा? बहुत अच्छा। ए नानी, नानी इस कूद जाई, कूद जाई। ए नानी सुन, अच्छा है नानी, कूद जा यहाँ से एक दाई। अरे एक दाई, एक दाई। भाई नानी इतना तेज गुस्सा होती है ना, कुछ भी उल्टा पूछो। तो फिलहाल भाई साहब, ये देखो शाम के 5:30 बज गए हैं, और भाई थोड़ा टाइम में सो गया था यार, मतलब रेस्ट करने लगा था, क्योंकि एक्चुअली आज मैं ना सुबह क्रिकेट खेलने गया था, तो थोड़ा सा थक गया हूँ भाई। शाम के 5:30 बज रहे हैं ना अभी, और बाहर भाई पूरा रात हो गया। यही तो ठंडी में रहता भाई, दिन बहुत जल्दी खत्म हो जाता, मतलब छोटा सा दिन होता है भाई। भाई आज से ना फॉग वॉग भी गिरना स्टार्ट हो गया। आज मॉर्निंग में जब उठा ना सुबह भाई, तो इतना खतरनाक वाला फॉग था कि भाई घर से ना हम लोग का गेट नहीं दिख रहा था। तो हो सके भाई आज शाम से भी फॉग गिरना स्टार्ट हो जाए। ये देखो भाई अभी 5:30 ही बज रहे हैं, और बाहर देखो भाई पूरा अंधेरा, पूरी रात। और भाई ठंडी में ये देखो गांव में घर पे जो है आग जलाया जाता है, इसी के सहारे सब लोग बैठते हैं भाई। देखो भाई आग जलाया जाता है, यहीं सब लोग बैठते हैं। पता नहीं यार, जिधर बैठती उधर ही धुआं जाता। पहले यहाँ बैठी थी, फिर वहाँ गई, फिर वहाँ बैठी थी, फिर इधर आई। ये भगवान क्या जुलूम है। उसमें कोई शक की बात क्या क्या नानी, जिसकी तरफ धुआं जाता है उसको क्या होता है? हम कह भैया हम का करे कहा नहीं कूद पर अच्छा अभी कूदी
अरे हम कहे अल्लाह नानी दिया तवार के दिया जहाँ पे बराते गाँव का क्या हाल चाल है भाई? रेल की चोरी हो रहा है गाँव में। हम लोग के गांव में चोर आ नहीं सकते सारे लोग। हाँ हाँ हम लोग का गांव बहुत खोखार है, मार मार के सारे लोग को तोड़ दिया जाएगा। हाँ लेकिन एक बात है, चोरी दूसरे गांव होता है, गांव हम लोग की पड़ती है। कोई बात नहीं है, टेंशन ना लो, कोई दिक्कत होगा तो हल्ला मचा देना रात को बस। हाँ मचाना ही पड़ेगा, कॉल कर देना, अपने लोग को कॉल कर देना। इतना रात हो गए, चाचू और फैसल भाई अभी तक नहीं आए हैं। हाँ लोग कहीं दूर ही गए, मुझे लग रहा है गोरखपुर ही गए। जी शान स्टोरी लगाए थे अभी को, देखा था मैं। देखा था? हाँ। क्या लगाया था? ऐसे ड्राइव कर रहे लगाया था। हाँ भाई अभी फोन लगाएंगे हम लोग, वीडियो कॉल करेंगे, देखेंगे वो लोग कहाँ पे हैं भाई, पता चलेगा। भाई साहब ये देखो रात के 9 बज गए हैं और अब जाके भाई फैसल और इरफान आ रहे हैं भाई। यस भाई। कहाँ गए थे? गोरखपुर। हाँ मैंने स्टोरी देखा। इन क्या करने गए थे? बस ऐसे ही घूमने। इरफान के लिए लड़की देखने पसंद आ गई। वाओ ये देखो फैसल बोल रहा है कि इरफान के लिए लड़की देखने गए थे भाई। सुनो सुनो ये बहुत लड़की लड़की कर रहा है ना, सच बताऊं इसके लिए लड़की देखने के लिए गए थे। बट हाँ और पता कितना वाला झूठा है रे, हम मेरे लिए गया था तू। झूठा सही बताओ, झूठा है, झूठ बोल रहा है, कसम से झूठ बोल रहा। क्या बोल रहा है? अब का कुछ कही थे पापा जान लो, बहुत ज्यादा बोले थे। भाग रहे हैं भगवान। यो नहीं कौन, अच्छा नहीं सच बता, झूठ बोल रहा है, बोल रहा हूं इसके लिए लड़की देखने के लिए गए थे गाइस। इसका सुनो सुनो, इसकी ना स्कूल की फ्रेंड है कोई, उससे मिले। अरे झूठ कसम से झूठ बोल रहा। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। पागल आगल हो गए क्या? सब जन सही नहीं समझिए तो सही है, कौन सही समझ नहीं तो वीडियो में क्यों बोल रहा है भाई? सब लोग सही समझते हैं वो। सही है तो सही क्या भाई, सही है सही है वो। अच्छा दिमाग वाला ठीक कह के बात किया कर थोड़े के। देखो लड़ाई हो गई। बस मुझे पता चल गया कौन, मुझे पता चल गया किसकी लड़की देखने का। अब मैं जान गया हूँ, लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो, छोड़ो। हम लोगों को भी पता चल गया कि किसके लिए लड़की देखने गए थे। काम करते आज के बाद हमें सही जाए ना, समझ गए? ये बात तो बलवानों ने फिर बताई थी पहले तो। अच्छा बस इसका ज्यादा हो रहा है। ये देखो भाई फैसल और इरफान भाई लड़ाई करने लगे थे भाई, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि तेरे लिए लड़की देखने गए थे, वो बोला है तेरे लिए लड़की देखने गए थे। भाई मैंने बोल दिया कि रहने दो मत बताओ, नहीं तो तुम लोग सच में भाई लड़ाई कर लोगे यार। भाई बात को मैंने यहीं पे खत्म करवा दिया, नहीं तो सच में लड़ाई हो जाती भाई। तो बस भाई साहब आज के ब्लॉग में इतना ही, 10 बजने वाला है, हम लोग जा रहे हैं भाई बिग बॉस देखने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।